सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसेप मेडिसिन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन के बारे में। इसे कैबोप्रोस्ट भी बोला जाता है। इस इंजेक्शन का क्या डिटेल रहेगा, क्या यूज रहेगा और क्या डोज होना चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जानने वाले हैं इस मेडिसिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है और किस पेशेंट को दिया जाता है, इसके बारे में जानने वाले। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जाने को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट डिटेल ऑफ कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, इसके क्या डिटेल होंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो मेन कंपोजिशन पाया जाता है वह कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन पाया जाता है। अब ये क्या होते हैं? तो ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन दवाओं के कैटेगरी में आता है। अब ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? तो ये दवाइयाँ एंटीकॉगुलेंट होती है। ये दवाइयाँ क्या होती है? एंटीकॉगुलेंट होती है, जो कि ब्लड को है क्लॉट नहीं बनने देता, का नहीं बनने देते हैं, ठीक है। इट्स ओनली अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म। ये जो कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन होता है यह केवल इंजेक्शन फॉर्म में आता है, यह टेबलेट फॉर्म में नहीं आता है। अगर इसकी इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन यूज की बात करें, तो इसे इट्स ओनली यूज फॉर IM, इसे इंट्रामस्कुलर ही दिया जा सकता है। इसे जनरली इंट्रामस्कुलर ही देना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे IV नहीं देना होता है। सो नेक्स्ट, यूज एंड डोज ऑफ कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, इसे क्या यूज और डोज हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इस ड्रग का उपयोग, जनरली इस ड्रग का उपयोग, इट यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल यूट्रिन ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब बच्चे के जन्म के बाद होने वाले गर्भाशय से रक्तस्राव को रोकने या नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टॉप अबॉर्शन ब्लीडिंग आफ्टर प्रेगनेंसी मिसकैरेज, यानी गर्भाशय में गर्भपात होने के बाद जो रक्तस्राव होते हैं उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरली इसका उपयोग ब्लीडिंग को रोकना होता है। साथ ही इस कार्बोप्रोस्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो यह प्रकार का इमरजेंसी मेडिसिन होता है। जनरली इसे इमरजेंसी कंडीशन में ही उपयोग किया जाता है, यानी इसे लेबर रूम में ही इसका उपयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट, इसके डोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें 250 माइक्रोग्राम पर ML कंटेंस रहता है। यहाँ पे माइक्रोग्राम MCG, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे MCG है, तो यहाँ पे भी MCG प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 250 MCG यानी 250 माइक्रोग्राम पर ML, यानी 1 ML में 250 माइक्रोग्राम इसमें कार्बोप्रोस्ट टर्मेथामाइन पाया जाता है। तो उस हिसाब से 1 ML का ये एम्पूल होता है, जो कि सिंगल यूज के लिए होता है। सो इस हिसाब से आप इस एम्पूल को एक बार ही यूज कर सकते हैं और एक टाइम के लिए। सो नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसे कुछ खास कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि आपको इसमें नोजिया, जी मचलाने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, वोमिटिंग, उल्टी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, और इंक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब का बढ़ जाना की समस्या देखने को मिल सकती है, और एंजाइटी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन, ठीक है, और स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा, आपको नींद कम लगने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, और इनरेगुलर हार्ट बीट, अनियमित दिल की धड़कने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा।